नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, 5 अगस्त को उसका कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। और उसमें पाएंगे कि राम मंदिर जो जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट बना है, वो ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है जिससे कि बाद में अफसोस रह जाए कि ये हमने नहीं किया। ये बात अलग है, ये कोरोना का काल है, लिहाजा जो भी गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो खबर आई है वो ये कि उसमें एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा उसकी नींव में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, टाइम कैप्सूल होता क्या है? टाइम कैप्सूल वो होता है जो किसी कालखंड के बारे में, जो किसी विषय के बारे में बृहद विवेचन करता है, ताकि आगे आने वाले समय में जब कोई उसको समझना चाहे, जानना चाहे, तो उसको कोई दिक्कत ना हो। चूंकि राम मंदिर के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला है, इतिहास को विवादित करने की कोशिश की गई है, इसीलिए जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो मंदिर के निर्माण को देख रेख कर रहे हैं, उनका मानना है कि आगे कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, इसलिए राम मंदिर से रिलेटेड राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सामयिक, सांस्कृतिक जो भी जानकारी है उसमें जो है उस कैप्सूल में रखा जाए। अब वो कैप्सूल बनता कैसे है? तो कैप्सूल एक ऐसा विशेष मेटल से बनता है जिसको जिस पे कि मौसम का असर नहीं होता है और कालखंड का भी असर नहीं होता, यानी कि वो लंबे समय तक उसमें पड़ा रह सकता है। अब ये जानकारी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं कामेश्वर जी, उन्होंने दी है। अब दूसरा सवाल ये उभरता है, क्या भारत में इससे पहले भी टाइम कैप्सूल कहीं पर डाला गया? तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री उस समय की जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1973 में लाल किला परिसर में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था जिसमें 25 साल का इतिहास था, और उसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी पांडुलिपि, वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के जो प्रोफेसर थे कृष्णा स्वामी साहब, उन्होंने पांडुलिपि तैयार की थी ऐसा कहा जाता है। उसमें विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अपने एक परिवार का और अपना महिमा मंडन किया है, इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ था। 15 अगस्त 1973 में उसको रखा गया था, और बाद में जब चुनाव हुआ तो ये एक मुद्दा भी बना कि उस टाइम कैप्सूल को निकाला जाएगा, लेकिन जब आगे चल करके यानी कि 2000 के दशक में उसके बाबत जब प्रधानमंत्री पीएमओ से जानकारी मांगी गई तो कहा गया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो इस समय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन पे आरोप लगता है कि 2011 में उन्होंने महात्मा मंदिर के नीचे जो है गुजरात का और अपने कालखंड का टाइम कैप्सूल डलवाया था। अब दुनिया में यदि इसकी तहकीकात करेंगे तो 2017 में एक टाइम कैप्सूल मिला था बर्गोस में, उसमें क्या था कि 1777 के आसपास की परिस्थिति, इतिहास की जानकारी उसमें थी उस टाइम कैप्सूल में। तो अब मतलब ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो टाइम कैप्सूल डालने की तैयारी है, नींव के अंदर ये टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, स्वाभाविक रूप से उसमें राम मंदिर और जो भी कालखंड में समेटना चाहें, कितना कालखंड वो समेट रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से देश का भी इतिहास उसमें रखेंगे, ताकि जब कभी आगे ज़रूरत पड़े तो उसको आप सुरक्षित निकाल करके उसको देख सकें। मतलब ऐसा नहीं होता है टाइम कैप्सूल कि आपको उसको निकाल करके देख नहीं सकते, उसे पढ़ नहीं सकते, या उसे कम या ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, वो सुरक्षित रहता है। तो एक तरह से इसको यूँ समझा जा सकता है कि इतिहास के बारे में परिचित कराने के लिए, विशेष कालखंड के बारे में, वो सबसे अच्छा माध्यम होता है। ताम्रपत्र के रूप में वो हो सकता है, और किसी रूप में वो हो सकता है, ताकि कभी वो खत्म ना हो। अब देखते हैं कि इस टाइम कैप्सूल को लेकर के आगे क्या मामला टर्न लेता है, क्योंकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि इस कोरोना पीरियड में जो कुछ भी किया जा रहा है इसको टाला जा सकता था, या कम लोगों की गैदरिंग की जा सकती थी, या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। शुरू में जो है मुहूर्त को लेकर के शंकराचार्य ने सवाल उठाया था, बाद में काशी के पंडितों ने जवाब दिया कि नहीं, मुहूर्त की कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, ये तो दुनिया कुछ ना कुछ कहती रहेगी। तो ये है पूरा टाइम कैप्सूल। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।